कोरोना महामारी में निजी अस्पतालों के साथ दवाओं की कालाबाजारी और निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर में धावा दल का गठन किया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार और SSP जयंतकांत ने संयुक्त रूप से इस धावा दल का गठन किया। इसका नेतृत्व CTSP राजेश कुमार और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय करेंगे। ये धावा दल नर्सिंग होम के साथ निजी एम्बुलेंस चालकों और दवाओं की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर कार्रवाई करेगा। मुजफ्फरपुर जिला के ही मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल के अलावा अब निजी अस्पताल में भी कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है और यहाँ इलाज को लेकर लगातार शिकायतें भी मिल रही थीं। ऐसे में धावा दल के गठन से इन चीज़ों पर लगाम लगने की उम्मीद है। नेशन न्यूज़ के लिए मुजफ्फरपुर से विशाल कुमार की रिपोर्ट। कोविड पेशेंट का इलाज किया जा रहा है और बीच बीच में क्योंकि शिकायत यह भी मिलती है कि उनके द्वारा अधिक दर किया जा रहा है, उन लोगों को चार्ज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कभी कभी एम्बुलेंस से भी ज़्यादा पैसे लेने की शिकायत आई है। इसको लेकर के हमने और SSP साहब ने एक ज्वाइंट टीम का गठन किया है जिसमें नगर आयुक्त और CTSP रहेंगे और उनके नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया गया है जो कि डायरेक्टर DRDA, टाउन DSP, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और अन्य कई पदाधिकारी उसमें रहेंगे। इनके द्वारा इन ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सुओ मोटो भी अपने संज्ञान से भी ऐसे जगहों पर धावा किया जाएगा जिसमें कि चाहे वो दवाओं की अधिक मूल्य पर बिक्री हो, ऑक्सीजन की बात हो, या फिर एम्बुलेंस के अधिक दर लिए जाने का मामला हो, या अस्पताल द्वारा अधिक दर चार्ज किए जाने का मामला हो, ऐसे मामलों में इस धावा दल के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारे और SSP के द्वारा इसके संबंध में चिट्ठी भी निर्गत कर दी गई है।